हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है एक आईफोन 7 प्लस। तो इसकी आज हम सीखेंगे डिस्प्ले को रिप्लेस कैसे करें, ठीक है। तो अभी देखिए, मेरे पास एक डिस्प्ले ऑलरेडी है, ये पहले इसमें लगी हुई थी जो टूटी हुई है, तो ये भी कॉपी थी। तो आज हमने भी इसमें दोबारा कॉपी ही लगाएंगे, लेकिन ये डिस्प्ले कहीं और से लगी हुई है इसलिए, ठीक है। तो अभी हम इसको न्यू डिस्प्ले हमारी जो है इसको हम फिटिंग करेंगे। इसे कैसे करना है चलिए अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे 7 प्लस की डिस्प्ले को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं फर्स्ट टाइम इस पर आईफोन 7 प्लस की डिस्प्ले का वीडियो बनाया है, ठीक है। इसे पहले भी आया था, लेकिन फिर मेरे को टाइम नहीं मिला लाने का, लेकिन आज टाइम था तो मैंने, और ये फ़ोन भी आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो स्पीकर होता है फ्रेंड ऊपर का फ्रंट कैमरे का, आपको वहाँ की जो सीट होती है वो खोलनी है। यहाँ पर पाँच स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक स्क्रू मिस भी है, इसमें चार स्क्रू लगे हुए हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड बता दो कि इसमें कहीं से भी इन्होंने डिस्प्ले लगवाई है तो इसमें स्क्रू जो है कि अलग अलग लगे हुए हैं, कोई एक जैसा स्क्रू नहीं है। तो इसलिए कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं करके। तो ये इसका स्पीकर है इस तरह का, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर ये है इसका स्पीकर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये है इसका फ्रंट कैमरे का फ्लैक्स सपोर्ट होता है हमारा चार्ज का, ये जहाँ फ्रंट कैमरा, स्पीकर, ये सेंसर, ये सब होते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ अलग ही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से निकालते हैं पहले चिपके हुए स्पीकर की, जहाँ पे जो सीट होती है जाली वगैरह, तो वहाँ से उसको निकालते हैं। तो फिर इसको आप बड़े आराम से निकालना, यहाँ वो ये अगर पत्ता कटेगा जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए इसको आप बड़े ध्यान से निकालना। तो इसका आराम से निकालते, ठीक है। यहाँ से काट दिया, अब इसको हाथ से हल्के से खींच देते हैं। यहाँ पर जैसे सीट है स्पीकर के पॉइंट बने हुए हैं गोल्डन कलर के, यहाँ से ऊपर से उठाएंगे इसको। तो देखिए, इस तरह से हमने निकाल लिया। तो ये है इसका आईफोन 7 प्लस का जो फ्रंट कैमरे का फ्लैक्स, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अब हो गया ख़त्म, यहाँ अब कुछ नहीं करना हमको। तो अब देखिए, तो फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ, पर यहाँ पे एक यहाँ का होम बटन जो है इसका, जो उसका टच आईडी है, वो कुछ अलग तरीके लगी हुई है। यहाँ पे टोटल तीन स्क्रू लगे हुए हैं, सॉरी चार स्क्रू, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसमें 2 स्क्रू फ्रेंड मिस हैं, चलिए इसको अलग कर देता हूँ मैं। तो इसमें फ्रेंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको अलग कर देते हैं। ये हमारा होम बटन है, तो इसके स्क्रू खोल देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स में स्क्रू जो है अलग अलग लगे हुए हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको बाद में अलग से सेट करेंगे कैसे क्या करना है। तो देखिए, हमने पूरी डिस्प्ले खाली कर ली है। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको होम बटन में निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल देते हैं यहाँ से, इसका कनेक्टर है ये होम बटन टच आईडी का, ये निकाल देते हैं, इसको ऊपर से खींचेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको निकाल दिया, तो अभी डिस्प्ले हमारी खाली हो गई है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फिर रखे हुए हैं, इसका फ्लैक्स है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड इसका आईफोन 7 प्लस का जो भी स्पेयर थे हमने निकाल दिए डिस्प्ले के, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, आपको एक बात नोट नहीं करी होगी, इसके ऊपर सीट होती थी, जो हर जो सीट लगी होती है साइड में, वो सीट इसके ऊपर नहीं है। तो फिलहाल जहाँ से भी डिस्प्ले लगवाई है फ्रेंड, इस पर सीट जो होती है वो उसने निकाल के रख ली है, या भूल गया है कुछ भी, ये पता नहीं, इस पर सीट वो है नहीं, लेकिन फिर भी ये वर्क करेगा, ठीक है। हम तो फ्रेंड सीट लगाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्प्ले को उसके फिक्स करते हैं। तो इसकी डिस्प्ले जो हमारी जो लगी हुई है न्यू, उसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से मतलब निकालना है, और यहाँ पे इसका कनेक्टर लगे हुए हैं, तो पहले टच का कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर निकाल लेंगे। चिमटी लेता हूँ, चिमटी से निकाल लेते हैं। तो चलिए, इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। तो अब ये डिस्प्ले अलग कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, डिस्प्ले दोनों सेम है दिखने में। तो चलिए अब इसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। तो अब इसको पहले बोर्ड को सेट कर देंगे, जो भी स्पेयर हम निकालते हैं वो दोबारा स्पेयर इसमें लगा देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे अब मैं इसका सीकर जो है इसका निकाल देता हूँ। ये इसकी डिस्प्ले है, तो ये भी सेम है वैसे ही है, क्योंकि सारी डिस्प्ले में एक जैसी होती हैं। चलिए मैं पहले इसका स्टीकर है वो निकाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जो पुरानी डिस्प्ले पे लगी हुई थी, पहले कॉपी लगी हुई थी, उसमें देखिए स्टीकर भी उतरा हुआ है। ये शायद जहाँ से भी लगवाया इन्होंने, ऐसे ही मतलब लापरवाही से काम किया है वहाँ पे, जैसे मर्जी अब उन्होंने लगा दी है, ठीक है। इन्होंने सही से काम नहीं किया है ना, स्क्रू भी इन्होंने मिस कर दिए हैं, सीट भी इन्होंने मिक्स कर दी है, स्टीकर भी उतारे मिस कर दी। देखिए, यहाँ पर सीट होती है, लेकिन अब वहाँ पर सीट तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको वैसे ही जैसे था वैसे ही हम इसको पैक कर देंगे। लेकिन हम इस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह उस फोन में था, उस डिस्प्ले में हम इसको सही से काम करेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, जो आप होम बटन लगाओगे, ऊपर से नहीं लगेगा होम बटन, पहले डिस्प्ले में ऊपर लगा हुआ था, लेकिन ये होम बटन जो है फ्रेंड, ये ऊपर से अंदर आएगा, इस तरह से दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको नीचे से डालना है, यहाँ डालना है ऊपर से अंदर, तो ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से इसको बैठाए थे, तो
तो जो फ्रेंड पहले डिस्प्ले लगी हुई थी उसमें ये होम बटन अंदर से था, जिसकी वजह से कस्टमर बोल रहा था कि होम बटन अंदर दबा हुआ है। तो यही कारण दबे होने का यही कारण था फ्रेंड कि ऊपर से डिस्प्ले जो थी वो होम बटन ऊपर से नहीं था, वो अंदर से डाला हुआ था, नीचे डाला था, इसलिए दब रहा था यहाँ पे। लेकिन सेवन प्लस में ऊपर से होम बटन डालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने इसको कनेक्टर लगाए थे, ध्यान से लगाए थे सब कुछ, सबको लेकिन सबको सबको प्यार से काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी सीट है, उसकी सीट को लगा देंगे। तो इसमें फ्रेंड स्क्रू जो थे इन्होंने कहीं करवाया था तो मिस कर दिए थे, तो मैं अपने हिसाब से इसमें सही स्क्रू लगाऊंगा। जो दो स्क्रू मिस थे वो भी लगा देंगे, मतलब पूरा कंप्लीट कर देंगे फ़ोन को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे पहले कमी थी उनमें वैसी नहीं है, देखिए हम सब कुछ मतलब सही करके देंगे। तो फ्रेंड आपके पास कोई फ़ोन आया तो आप काम ऐसा करना, मतलब कस्टमर खुश हो जाए तो उसको अच्छे से ही काम करना, तो जिससे कि ना कस्टमर खुश रहेगा, दोबारा भी आपके पास काम करवाने आता रहेगा, ठीक है। बाई चांस कभी ऐसा हो जैसे पुरानी डिस्प्ले लगी हमारे पास, देखिए आपको दिख रही है पुराने वाली डिस्प्ले, पहले वाली, उसका स्टिकर तक फ्रेंड उतरा नहीं है, अगर कस्टमर को यही चीज़ दिखाएंगे कि देखिए आप कैसे भी करके आपका काम उस तरह किया हुआ है, तो ऐसे कस्टमर ना दोबारा उसके पास जाएगा नहीं, क्योंकि काम उसका सही नहीं हुआ और हम उसको दिखाएंगे देखिए हमने पूरी कंप्लीट प्रॉपर सही कराया काम आपका, एक कमी नहीं है, तो वो दोबारा भी हमारे पास ही आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड ईमानदारी से काम करिए, कोई मतलब लफड़ा मत करना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको, तो यहाँ से फ्रेंड इसका जो फ्रंट कैमरा का पत्ता है इसको हम फिक्स कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जिस तरह हम सिक्स में लगाते हैं वैसे ही लगाना है इसमें भी, इसके पॉइंट नीचे हैं, इसमें उल्टा है फ्रेंड, सिक्स में तो ऊपर होते हैं गोल्डन पॉइंट लेकिन इसमें नीचे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका स्पीकर है हम वो बिठा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब ऊपर हम इसका पत्ता लगा देंगे, यहाँ से स्पीकर भी लगा दिया, अब इसकी सीट जो होती है इसकी सीट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान से आराम से काम करना है, थोड़ा सा उठा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए अब सीट सेंटर में आ गई है, अब इसका स्क्रू लेने हैं आपको। तो फ्रेंड इसमें थोड़ा स्क्रू जो है कि दो तीन मिस थे, मैं इसमें वो भी पूरे कर दूंगा, तो मतलब पूरा कम्प्लीट कर दूंगा फ़ोन को, कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी फ़ोन के अंदर, जो डिस्प्ले में लगाई है तो अच्छा काम करेंगे, ठीक है। साफ सुथरा, कोई मतलब ऐसा काम नहीं करना कि चलो यार जान दो पेज खो गया जान दो या छोड़ो टेढ़ा मेढ़ा लगा दो जैसे मर्जी लगा दो, ऐसा फ्रेंड आप ऐसा काम मत करिए, वरना कस्टमर खुश नहीं होता इससे, ठीक है, ना दोबारा आएगा, क्योंकि फ्रेंड मार्केट में बहुत बंदे हैं भड़काने वाले कि वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है, इसलिए फ्रेंड आप सही से करिए अपने हिसाब से, ना किसी की बुराई करना, ठीक है। आप अपने हिसाब से काम करिए और साफ करिए, ठीक है। चलिए मैं अब स्क्रू जो भी मिस थे मैं ढूंढ ढांड के लगा देता हूँ उसी के साइज़ के, ठीक है। चलिए ये साइज़ का ये स्क्रू है तो मैं इसको फिट कर देता हूँ उसके अंदर। तो देखिए मैंने स्क्रू लगा दिया है, अब एक स्क्रू और बाकी, आप देखो कैमरा फ्रंट में है नहीं, बिल्कुल सेंटर में कैमरा आ गया, ठीक है। अब इसमें जो स्क्रू बाकी है वो लगा दूंगा। तो फ्रेंड हमने पूरा स्क्रू हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। देखो ऊपर पूरा सीट कंप्लीट हो गई है, हमने नीचे भी कर दिया ऊपर भी कर दिया, सारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब डिस्प्ले को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फ़ोन के अंदर। देखिए चलिए चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए हैं। सबसे पहले हम ऊपर का पत्ता लगाएंगे जो फ्रंट कैमरे का होता है, उसको आराम से फिट कर देंगे, आराम से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका बैटरी कनेक्टर लगा देंगे, डिस्प्ले कनेक्टर, उसके बाद टच कनेक्टर लगाएंगे, टच का पत्ता आराम से। फ्रेंड आपको यहीं पे बस ध्यान देना है ताकि पीने आगे पीछे ना हो जाए, बिल्कुल सेंटर में रहनी चाहिए, ठीक है, आराम से। तो दबा देना है इसको, तो बैटरी कनेक्टर लगा दिया, अब इसको हम ऑन कर देते हैं, ऑन के साथ साथ इसको फिक्स करेंगे। देखिए यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ऑन हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा डिस्प्ले। अब उसको थोड़ा हम बिठा देंगे, कैसे इसको बिठाना है चलिए कैसे बिठाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से इसको नीचे से बिठाना है, यहाँ से देखिए इधर पहले ऊपर का अंदर बिठाइए, पुश करिए, ठीक है, यहाँ से पुश कर दिया, उसके बाद साइड से दबाइए। तो फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप आईफोन 7 प्लस की डिस्प्ले रिप्लेस करते हो, अगर मान लीजिए आपने डिस्प्ले निकाल दी, दूसरी डिस्प्ले लेने गए हो, वहाँ से खाली डिस्प्ले आप चेक कर रहे हो, तो आपको थोड़ा फ़ोन ऑन होने में टाइम लग जाएगा, मैक्सिमम 5 मिनट लग सकता है खाली फ़ोन ऑन होने में, तो वो भी शुरुआत में। अगर फ्रेंड अगर फ़ोन में कुछ भी स्पेयर फिक्स नहीं है, खाली डिस्प्ले आप लगाते हो, तो सिर्फ फ़ोन को ऑन करने में आपके 5 मिनट चले जाएंगे। कभी आप टेंशन मत लेना कि यार फ़ोन एप्पल लोगो पर अटका हुआ है, इसलिए क्योंकि 7 प्लस में ऐसा ही है, एप्पल लोगो पर फ़ोन अटक जाता है, शुरुआत में 5 मिनट लेता है, उसके बाद ऑन होता है, ठीक है।
और ये बात आप याद रखना। तो देखिए मैं अब यहाँ का मेरा पूरा सेटअप मैं चेक कर लिया है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा जो भी है मैं सब चेक कर लेता हूँ कि हमने ऊपर काम किया वो सब चल रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कैमरा ओके है, फ्रंट कैमरा भी ओके है। ठीक है, अब इसको मैं अब चेक करता हूँ इसका माइक, यहाँ से ब्राइटनेस भी सही है। ठीक है, यहाँ से इसके कॉल करके देखता हूँ, 121 कॉल लगाता हूँ। देखिए यहाँ से स्पीकर चेक कर लूँ, स्पीकर में आवाज़ आ रही है कि नहीं, बाहर तो आवाज़ आ रही है फ्रेंड, अंदर देखता हूँ। ठीक है फ्रेंड, कान में भी सही आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड अब हमारा डिस्प्ले और सेवन प्लस डन हो चुका है। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको आईफोन पे और भी आगे वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, और सेवन प्लस पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो डिस्प्ले पे मैंने बनाई है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।